भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। जहां पर इंसान को हर कदम पर परखना शुरू कर दिया जाए वहां रिश्तों में दरारें आ ही जाती हैं। कोई भी हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी होता है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास तो हमें ही करना होता है। यदि आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगे रहोगे तो या तो वो आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान को ढूंढोगे तो शायद आप अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती के बावजूद भी कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान रिश्तों की अहमियत भली भांति जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अगर कोई आपका बुरा करे तो दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, हम इंसान नहीं। अपना नजरिया बदलो। जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से तो कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है हमने भी, लोग पल भर में ही पराया कर जाते हैं। जिंदगी कैसी भी हो, अपनों के साथ रहो। दुख हो तो बंट जाएगा और सुख हो तो बढ़ जाएगा। जिंदगी में कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे कर्ज अदा कर दिया करते हैं। हमारे खुश न रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद गैरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से ही आंसुओं की नदियां बहा दिया करते थे और आज हम हजारों गम का भार लेकर जिंदगी का ये सफर तय किया करते हैं कि सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। खामोशी से भी कर्म होते देखा है, पेड़ों को भी छांव देते हुए देखा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अज्ञान अहंकार और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो अज्ञान जहर है, किंतु यदि अज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वो अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए। हीरा अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनते। भगवान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तेरे गुनाहों की सजा भी तो मैं तुझे उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर एक चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही होती है जो बस ठोकर लगने के बाद मिलती है। इंसान इस कारण से अकेला हो ही जाता है क्योंकि वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी आखिर रुला ही देती है, फिर चाहे हम किसी के भी कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, मगर उम्मीद मत करो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद करने से ही मिलती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह से अच्छी अनुभव की ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना लेती है। सारे वजन उठाकर देख लेना, दाल रोटी का वजन ही सबसे भारी होता है। लोगों को खोने से मत डरो,
डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते खुद का ही दिल ना खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता ईश्वर करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलती को भी नजरअंदाज ना करना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम होता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने व अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने व सुनने वाले यही समझते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। मिट्टी के घरों में लोग छोटे होते हैं, औकात में छोटे भले ही, मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं जिसमें सांस नहीं वही मुर्दा है, अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो फिर हासिल है उसे ही पसंद कर लो। इन लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह ही होता है। इसमें थोड़ा दर्द जरूर होता है मगर फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल के हो, लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार भी माफ कर देते हो तो आप बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी आप उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। ज्यादा हंसने व बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।